मध्य प्रदेश की बड़वाह तहसील में अधिक वर्षा और अतिवृष्टि पर किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने क्षेत्र के करीब 10 ग्रामों का निरीक्षण किया है। खेतों में फसलों की स्थिति को देखकर बिरला ने उपस्थित बीमा कंपनी एवं राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को रोष व्यक्त करते हुए सर्वे करने का अतिशीघ्र निर्देश दिया है। फसलों का मुआयना करने के दौरान बिरला ने कहा कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार अतिवृष्टि से किसानों की हर संभव मदद के लिए संकल्पबद्ध है, तो क्षेत्र में अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों के लिए जल्द ही मुआवजा मिलेगा। वहीं बिरला ने बताया कि बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में 58,000 हेक्टेयर में कपास की फसल लगाई गई थी, जिसमें से लगभग 24,000 हेक्टेयर फसल का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है। इसी प्रकार सोयाबीन की करीब 6,560 हेक्टेयर रकबे में लगाया गया था, जिसमें 2280 हेक्टेयर एवं मक्का 3650 हेक्टेयर में लगाया गया था, जिसमें 610 हेक्टेयर का सर्वे कर लिया गया है। तो 75% किसानों की फसल का सर्वे हो ही गया है, बाकी जल्द सर्वे होने के बाद में सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विभाग की टीम के द्वारा आज विधायक महोदय के साथ काटकूट क्षेत्र के लगभग 8 से 10 गांवों में संयुक्त रूप से मौका मुआयना हेतु भ्रमण किया था, जिसमें अतिवृष्टि के कारण फसलों की जो क्षति हुई है उसके संदर्भ में जो कृषकों के साथ जो उनको बताने हेतु की जो एक टीम गठित की गई है कलेक्टर महोदय के द्वारा, जिसमें उन्हें उचित मुआवजा राशि दिलाई जाए बीमा कंपनियों के द्वारा, इस हेतु भ्रमण किया गया। हम सब लोगों ने मिलकर राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ फसलें खराब जो हमारे क्षेत्र में हुई है उनका सर्वे निरीक्षण करने के लिए हम लोग गए थे, और जगतपुरा से लेकर काटकूट हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पूरी तरह से कपास की फसल, सोयाबीन की फसल और मक्का की फसल पूरी तरह से ख़राब हो गई है। 70 से 75% फसलों को नुकसान हुआ है, किसान बहुत परेशान है और सर्वे का कार्य तेज़ी से चल रहा है। आज अधिकारियों के साथ हम सब लोग मिलकर गए थे और कुछ दिनों एक दो चार दिन के बाद सर्वे की पूरी टीम आएगी, वो पूरा निरीक्षण करने के बाद में फसल बीमे के अधिकारियों के साथ मिलकर ये लोग पूरा निर्धारण करेंगे किस तरह से कितनी फसलें बर्बाद हुई है, उसके बाद फसल बीमा दिलाने के पूरे प्रयास हैं।